गांजा सुल्फा अमल तमाकू भंग को रंग चढ़ावे, नीची पलक नशा में राखे जाने गुरु बतलावे। ये दुनिया ऐसी है, हमने देखा कि यार वो महाराज तो बोले यार वो 24 घंटे आंख बंद करके ध्यान में ही रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा पगले वो ध्यान में नहीं रहते, उसने काका जी ने गांजा पी लिया है लपक के, तो वो गांजा आंख नहीं खुलने दे रहा उसकी और तुम उसको महात्मा समझ रहे हो। पर क्या करें, हम समझ नहीं पाए और हमने अपना माथा उनके चरणों में दे दिया और उन्होंने अपनी अज्ञानता से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और ये जीवन फिर दोबारा न मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वो आग में बाग लगाने जैसे शब्द हैं, वो इंसान के जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाले शब्द हैं। कोई एक घूंट अगर पी ले, एक बूंद अगर उनके नाम की मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो। आप सभी को प्रणाम। सदगुरु कबीर साहब का आश्रम प्रस्तावित किया गया है और उसी के सहयोग के लिए आप सभी से भूमि दान हेतु सहयोग की अपेक्षा है। तो आपसे जितना हो सके, जितना बन पड़े, जैसा भी, नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिए हैं, उस मोबाइल नंबर के जरिए आप अपनी सेवा हम तक भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आप मुझसे सीधे संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि कलह काल और कल्पना सत्संगति से जाए, अरे दुख तो सब भागा फिरे और सुख में रहे समाए। कितने साल हो गए? बोले 40 साल हो गए मेरे को गुरुमुखी। मैं तो गुरुमुखी, तुमको मैं तो बचपन से, तुमको मेरे को तो 20 साल हो गए। तो जब तुमको इतने साल हो गए तो तुम्हारी आंख के गिचड़े तो दूर होना थे, थोड़ी खुशी होना चाहिए चेहरे के ऊपर। जीवन में तुम्हारे दुख मिटा नहीं, परिवार के झगड़े खत्म हुए नहीं, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहा नहीं, औलाद अगर पैदा करी तो औलाद माँ बाप का कहना मानती नहीं और गले में बहुत बड़ी कंठी भी लटका ली, तो कहाँ कबीरपंथी हुए। अगर कबीरपंथी हो जाते तो हमारे मार्ग का आनंद ही अलग होता, हमारे घर का आनंद ही अलग होता। कलह काल और कल्पना सत्संगति से जाए, अरे दुख तो सब भाग्यो फिरे और सुख में रहे समाए। पर ये कब होगा? जब हम सदगुरु की बात को मानेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु कहे सो शिष्य करे तो सब सिद्ध कारज होए, अभय अमर पद पाइए जारो बाल न बांधो। यहाँ तो झट थोड़ा सा, अरे ये तो बात रहने दो, आपका भजन गाओ। मेरे बाप दादा मर गए भजन गाते गाते, उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ, दो दो पांच पांच साल तक खाट पे पड़े रहे, सड़ गए पूरा शरीर। सदगुरु कबीर कहते हैं गाया जिन पाया नहीं अन गाया से दूर, और जिसने गाया विश्वास से तासे राम हजूर। फोड़ना पड़ता है भजन। हम सुनते हैं अमल करे सो पावे रे संतों, अमल करे सो पावे। राजस्थान में जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो वो अमल से उनका स्वागत करते हैं, पानी पिलाते, अमल देते, जिसका नशा होता है। उसकी खासियत यह है कि उसमें जितना पानी डालो और जितना उसको रगड़ो उतना नशा तेज होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे ही तू गुरु के वचनों को अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेगा, तेरे चाल चलन में नहीं लाएगा, तेरे व्यवहार में नहीं लाएगा, तो कभी भी तेरे जीवन में सदगुरु के नाम का नशा, शब्द का नशा कभी जीवन में नहीं होना है। आज भी गरीब था, कल भी गरीब रहेगा और गरीब का गरीब ही मर जाएगा। अगर जीवन में उन्नति पाना है, आनंद पाना है, खुशी से जीवन को जीना है और हंसते हंसते इस दुनिया से विदा होना है और जाने के बाद भी दुनिया के लोग अगर अपना नाम याद रखे तो उसके लिए सदगुरु के नाम की, गुरु के ज्ञान की बूटी को पीना पड़ेगी, पीना पड़ेगी और पीना पड़ेगी। इसलिए सत नाम का भर भर प्याला, we'll be right back।
मुझे क्षमा कर देना संत समाज विराजे। तीन तरह के गुरु हैं, एक पेट के खातिर जीके के पेट भरनिया गुरु महाराज शरीर का, एक पेट का खातिर, एक भेंट का खातिर, और जो तीसरा होता है वो ठेठ के खातिर। वो वहां का उसको ना पैसे से मतलब है ना रोटी से मतलब है, उसको बस उस एक से मतलब है। आज की स्थिति ऐसी है, हमारे साहब कहकर के गए हैं 650 साल पहले, पैसा सेती गुरु घना कोड़ी का 50, राम नाम बेचत फिरे और करे शिष्य की आस। बोले बेटा ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत लगना, क्योंकि मनुष्य जीवन तुझे एक ही बार मिला है, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। अगर एक बार ये जीवन से निकल गया, तेरे हाथ से तेरा जीवन निकल गया, तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बोले क्या करूं, तो बोले पाखंडी गुरुओं से बच के रहना, नकली गुरुओं से बच के रहना, क्योंकि नकली गुरु कैसे, थोड़ो आउर कने, थोड़ो आउर कान में कर दे कुर, तू मरिया धर, मारो 100 रुपये नायल धर, हूं गुरु तू छेलो और दो ही नरक में ठेलम ठेलो। क्योंकि गुरु ना के भी सूझनी पड़ी कि गुरु पद होता क्या है, गुरु गम होती क्या है, गुरु की मर्यादा क्या होती है और गुरु का दायित्व क्या होता है। खुद भी खाली और चेला ना गया उनके भी खाली कर दिया। आजकल जा देखो सबने आश्रम बनाई लिया और उनमें है चिलम चली रही है, गांजा चली रही है, सब उल्टा सुल्टा काम ना हो रहा है। सतगुरु कबीर क्या कहते हैं, वो मेले जाए ना मेहनत कहावे, पूजा भेंट न लावे। कोई सब पूजा पाठ करवाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर कह रहे हैं। मेले जाए ना मेहनत कहावे, पूजा पाठ न लावे। Oh,
के दौर की सच्चाई बयां कर रहा हूं आप। हमारे जीवन का अगर भला नहीं हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जिनको अपना जीवन समर्पित करते हैं उनको हम पहचानने में भूल गए। हमको ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जिनके पास में 25-50 लाख की कार हो, जिनका बहुत बड़ा आश्रम हो, जिनके चेले चपाटी हो। अभी अपन देखो अपनी बहन बेटियों को, वो 4 बजे रात की उठे और कोई पानी चढ़ाने जा रही है तो कोई कहीं करने जा रही है तो कोई कहीं करने, देखो तो सही यार। कबीर साहब इतने साल से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि बच जाओ रे मेरे बेटे बच जाओ। गांजा सुल्फा अमल तमाकू भंग को रंग चढ़ावे, नीची पलक नशा में राखे जाने गुरु बतलावे। ये दुनिया ऐसी है, हमने देखा कि यार वो महाराज तो बोले यार वो 24 घंटे आंख बंद करके ध्यान में ही रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा पगले वो ध्यान में नहीं रहते, उसने काका जी ने गांजा पी लिया है लपक के तो वो गांजा आंख नहीं खुलने दे रही उसकी और तुम उसको महात्मा समझ रहे हो। पर क्या करें, हम समझ नहीं पाए और हमने अपना माथा उनके चरणों में दे दिया और उन्होंने अपनी अज्ञानता से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और ये जीवन फिर दोबारा न मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वो आग में बाग लगाने जैसे शब्द हैं, वो इंसान के जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाले शब्द हैं। कोई एक घूंट अगर पी ले, एक बूंद अगर उनके नाम की मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो। इसलिए साहब कहते हैं जिनके दर्शन आनंद उपजे अनहद नाद सुनावे। दर्शन साहब दर से अनहद नाद सुनावे।
गुरु।